आज क्या है कि मैंने अपनी जो जॉब है छोड़ दिया है कैंट एरो सिस्टम्स लिमिटेड में से। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी कंपनी की जॉब को क्यों छोड़ा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह बी बॉय। गाइस आज फिर मैं एक नया ब्लॉग लेकर आया हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही डिफरेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि आज क्या है कि मैंने अपनी जो जॉब है छोड़ दिया है कैंट एरो सिस्टम्स लिमिटेड में से। तो मैं उसका आइडेंटिटी कार्ड, जो कि कंपनी की एसेट है, आइडेंटिटी कार्ड, दिस इज माय आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम कैंट एरो सिस्टम्स लिमिटेड, तो उसे जमा करवाना होता है। तो आज मैं इसको सबमिट करवाने जा रहा हूँ कैंट के हेड ऑफिस, जो कि नोएडा सेक्टर 59 में है। बिकॉज ये 2000 रुपीज़ का है, तो नहीं तो सबमिट किया तो उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा सैलरी में से। सो गाइज चलते हैं और आज का डिफरेंट ब्लॉग को पूरा करते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। जैसे कि आपने बोला कि उस वाली बस में क्या था, ब्लू वाली बस में क्यों नहीं चढ़े, मतलब फेयर ज़्यादा था। गाइज अगर हम बात करें अपनी जर्नी की, तो हम अपनी जर्नी नांगलोई मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही। दोस्तों जैसे ही आपने इस वीडियो को प्ले किया होगा तो पहला प्रश्न आपके मन में यह आया होगा कि आखिर मैंने इस जॉब को क्यों छोड़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ग्रोथ। मैंने ग्रोथ के चक्कर में इस जॉब को छोड़ा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कीर्ति नगर, और कीर्ति नगर से अब हमें जाना है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की मेट्रो पकड़नी है, जो कि हमें सेक्टर 59 पे उतरना है। तो हम तो फिर हमने कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की मेट्रो ली और निकल पड़े नोएडा सेक्टर 59 की ओर। मैंने इस वीडियो के बारे में बहुत सोचा और विचारा, फिर मेरे मन में आइडिया आया कि क्यों ना हाँ इस वीडियो को बनाते हैं, इस ब्लॉग को बनाते हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी जॉब छोड़ता है तो कैसे अपने आइडेंटिटी कार्ड को सबमिट करने जाता है। तो फिर निकल पड़े हम लोग मेट्रो की जर्नी पर, और मेट्रो में सफ़र करना मुझे पसंद भी है क्योंकि बहुत कम्फर्टेबल भी फील होता है, नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं तो मज़ा भी आता है। दोस्तों जब आप लोग महिला की सीट पर बैठे होते हो, आई नो आप लोगों को भी गुस्सा आता होगा जब कोई यंग लड़की आकर आप लोगों को बोलती होगी कि भैया ये सीट लेडीज़ है तो प्लीज़ हट जाइए आप लोग, और जबकि वो खड़ी हो सकती है फिर भी। तो गाइज इस टॉपिक को लेकर अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी निकाल दीजिए, आई नो आप लोग बहुत गुस्सा हो गर्ल्स को लेकर। तो दोस्तों 1 से 1.5 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन आ चुका है नोएडा सेक्टर 59। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं नोएडा सेक्टर 59 मेट्रो स्टेशन, और अब हम यहां से वॉक करेंगे 10 मिनट का, और कैंट एरो सिस्टम्स लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है वहां पर जाके मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है सबमिट करके फिर हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम घर की ओर चल पड़ेंगे। तो गाइस चलते हैं और आइडेंटिटी कार्ड को सबमिट करते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड सबमिट कर दिया है और मैं कैंट के हेड ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कैंट का ऑफिस है, कैंट की जो एसेट थी वो मैंने सबमिट कर दी है, और फिर अब चलते हैं अब बिल्कुल बेफिक्र होकर घर की ओर। सो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और गाइस ये बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट था हमारी वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।